यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं हुआ तो गृह युद्ध की हालत भारत में हो सकती है। इसी दूरगामी सोच को लेकर हम आंदोलित रहे हैं। ये बातें बोकारो में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि इस पर नियंत्रण के लिए कानून बनाए। जो दंपति दो बच्चों से अधिक बच्चों को पैदा करते हैं उसे सरकारी सुविधाओं से वंचित कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लोग बेमौत मारे गए। यदि जनसंख्या बैलेंस में होती तो शायद यह नौबत नहीं आती। उन्होंने कहा कि भारत की आबादी संसाधन से कई गुना अधिक है। कहा कि कानून बनाने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए तथा देशवासियों को जनहित के ख्याल से इसका सम्मान करना चाहिए। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से पूरे देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर आंदोलन चला रहा है। अभी हाल ही में कोरोना काल में हमने देखा है किस प्रकार से ऑक्सीजन की, किस प्रकार से बेड्स की और दूसरी व्यवस्थाओं की कमी पड़ी, संसाधन कम पड़े, इसके पीछे बहुत अधिक आबादी भी एक कारण है। विश्व का मात्र 4.2% भूमि हमारे पास है, 4% जल हमारे पास है, लेकिन भारत 18.4% आबादी का भार वहन कर रहे हैं हम अपने कंधों पर। जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, अगर इस पर रोक नहीं लगी तो बहुत जल्द देश में गृह युद्ध के हालात हो सकते हैं। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले अब जीत को अंजाम दे। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। वहाँ एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहाँ से हौसला बढ़ाओ। Cheer for India. अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है तो सोच। क्या फाइन, स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। गुड बाय डाउट्स, से हेलो टू टॉप डॉक्टर्स ऑन प्रैक्टो वीडियो कंसल्टेशन 24/7। हेलो डॉक्टर, फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड द ऐप। You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.